कांग्रेस ने राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हमले के बाद पलटवार करते हुए सोमवार को कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने असुर शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात कही है, जिससे भाजपा एवं प्रधानमंत्री बलबला गए हैं। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि यह लोकसभा चुनाव आसुरी शक्ति और दैवीय शक्ति के बीच होगा, जिसे जीत दैवीय शक्ति की होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के अवसर पर मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित एक रैली में कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि वह शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहाँ कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में है, सही है, सही है कि राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष इंडिया गठबंधन पर मुंबई की रैली में शक्ति के विनाश का विगुल फूकने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि उसने हर माँ बेटी को शक्ति के स्वरूप में देखा है और वे एक शक्ति का स्वरूप है और वह उनके लिए अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि जब कठुआ, उन्नाव, हाथरस में आपकी पार्टी बलात्कारियों के पक्ष में मोर्चा निकाल रही थी, तब शक्ति की उपासना याद नहीं आई? तब मणिपुर में महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा था, तब कौन सी शक्ति आपको चुप रख रही थी? जब महिला पहलवान सड़क पर थी और ब्रजभूषण शरण सिंह भीतर आपके घर में, तब कौन सी शक्ति की उपासना कर रहे थे?